हाय, मैं गेस अकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक गेट एस्पिरेंट का लाइफस्टाइल कैसा है हैदराबाद में। मॉर्निंग 7 से स्टार्ट होता है क्लासेस। 7 to 1 सब्जेक्ट रहता है मॉर्निंग स्लॉट में। ऐसा ही आफ्टरनून 2 to 7 और एक सब्जेक्ट रहता है। सो दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इधर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंटिन्यूसली बैठ पाते हैं। तो मॉर्निंग क्लासेस में क्या होता है, 8:30 to 9 एक ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता है हमको, हाफ एन आवर का। तो ऐसा ही 11 बजे को 10-15 मिनट का क्लासेस का बीच में एक रिफ्रेशमेंट का ब्रेक मिलता है। वैसे दोपहर में ही मिलता है आपको? हाँ, ऐसा ही दोपहर को भी 2 ब्रेक्स मिलता है हमको, ऐसा लेक्चर का बीच में 2 घंटे के बाद। तो 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है, ऐसा स्नैक्स को भी ब्रेक मिलता है हमको। सो ऐसा हम लोग प्रोडक्टिविटी बनाते हैं। जो क्लासेस होने के बाद इधर एसाकेमेंट का बिल्डिंग में भी 2 लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी मॉर्निंग 6 to 9 11 तक खुला रहता है, तो हम लोग उधर भी पढ़ाई कर सकता है। नहीं तो एस अकेडमी का एक स्टडी हॉल भी प्रोवाइडेड है, हम उधर भी पढ़ाई कर सकता है। वो भी खुला रहता है सबके लिए, तो उधर भी पढ़ा सकते हैं। हॉस्टल में तो ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो हॉस्टल में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इधर ही प्रेफर करते हैं पढ़ाई करने के लिए। हॉस्टल तो इधर तो बहुत सारा हॉस्टल है आसपास में, तो हम लोग पैदल जाके आ सकते हैं हॉस्टल के लिए। 10 मिनट लगता है हॉस्टल जाने के लिए, आने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर हॉस्टल के लिए, सब फैसिलिटीज़ अच्छा है इधर हॉस्टल का, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। एक रूम में हम लोग चार लोग रहते हैं। अगर आप 4 लोग नहीं प्रिपेयर किया तो 2 लोगों के लिए मिलता है सिंगल। बस फीस शायद से ज़्यादा होगा। हाँ, फीस के हिसाब से रूम्स अवेलेबल है इधर। तो अभी 4 शेयरिंग का मेरा 5000 है। हाँ। ऐसा तुम 2 शेयरिंग और सिंगल लिया तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो तुम्हारा हिसाब से प्राइजेस है। हमारा हॉस्टल में सब मेस इंक्लूडिंग फूड प्रोवाइडेड है। 5000 में ही सब कुछ? हाँ, सब कुछ 5000 में इंक्लूडिंग फूड है, सब कुछ है। जो फूड मेस के लिए अलग पैसा नहीं रहता है, जो सब पैसा उसमें आ जाता है 5000 में, फूड और रेंट सब मिल के आता है। हाँ, तीन टाइम का फूड, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रहता है, दोपहर का खाना और नाइट का खाना भी रहता है। ठीक है। डाउट अगर कुछ डाउट है तो क्लासेस का बीच में ही सर से डाउट सॉल्व करते हैं। एक डाउट सॉल्व होने के बाद भी वो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अगर उसके बाद सर को डायरेक्ट मिलना चाहते हो तो तुरंत क्लास के बाद फैकल्टीज 24 आवर्स इधर अवेलेबल रहते हैं। फैकल्टीज़ को डायरेक्टली हम लोग डाउट पूछ सकते हैं। अगर हमको घर जाने के बाद पढ़ाई करने वक्त कुछ डाउट आया तो सर ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा टेलीग्राम ग्रुप रहता है, तो उस पर डाउट डाल दिया तो ऐसा विद इन 24 आवर्स वो लोग हम हमारा डाउट सॉल्व करते हैं। अगर तुम लोग गेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो 64000 है। अगर तुम लोग ESC के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो 84000 है। इस साल मेरे को एक एडवांटेज मिला है कि गेट और ESC कंबाइंड मिलके 84000 में दिया है, और मैंने भी यही ऑप्ट किया है इस साल।